मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, पूर्व सांसद, प्रतिनिधि और वर्तमान में स्थानीय उम्मीदवार के रूप में बदनावर विधानसभा में दावेदारी कर रहे मनीष बोकड़िया ने कैबिनेट मंत्री दत्ती गांव को कटाक्ष किया और कहा कि दत्ती गांव ने बदनावर क्षेत्र के मतदाताओं के मत का अपमान किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात कभी नहीं सुनते थे दत्ती गांव और क्या कुछ कहा मनीष बोकड़िया ने। पूरी खबर कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा में आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। यहाँ पर कांग्रेस में लगभग एक दर्जन से अधिक प्रत्याशी है और उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी का दोनों ही दलों में माहौल है। यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस से एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश कांग्रेस हाईकमान कर रहा है। इसी बीच हमारे बीच में कांग्रेस के एक ऐसे प्रत्याशी जो कि स्थानीय उम्मीदवार के रूप में पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं लेकिन अब तक इन्हें असफलता हाथ लगी है। अब यह इनका तीसरा प्रयास है और ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार उन्हें कांग्रेस हाईकमान निश्चित रूप से टिकट देगा। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस के एक सक्रिय जन नेता मनीष बोकड़िया जी से जो कि पूर्व में यहां से सांसद प्रतिनिधि रहे, कांग्रेस के कई पदों पर रहकर कांग्रेस की सेवा की। आइए मिलवाते और जानते हैं कि अगर कांग्रेस इन्हें टिकट देगी तो किस प्रकार ये यहाँ से टिकट लेकर चुनाव जीत कर जनसेवा करेंगे। नमस्कार बोकड़िया जी, बताइए आप कि किस प्रकार आपकी क्या रणनीति होगी चुनाव जीतने की अगर टिकट मिलता है तो? पार्टी अगर मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो मेरी पिछले विगत 10 वर्षों से 2009 से पोलिंग बूथ पर जाकर मैंने मेहनत करी है, हर पोलिंग पर मेहनत करी है और मैंने विचार चार्य करवाए हैं। उसके लिए मैंने कई पैदल यात्रा भी करी है, जैसे जेतुर के रोड के लिए मैंने सांसद राजू छेड़ी जी के राज में पद यात्रा 14 किलोमीटर करी थी और वो रोड भी मंजूर हुआ और पूर्ण रूप में बना। इसी तरह से मैंने स्टाफ चेन पुड़िया, पानी सेंटर, कई तरह से विकास कार्यों में जनता की सुविधाओं के लिए कार्य किए हैं, साथ ही पानी की समस्याओं के लिए नर्तुत्थनन भी करवाए हैं और युवाओं के लिए मैंने जिम मशीन भी दी है और क्रिकेट टूर्नामेंट और कबड्डी टूर्नामेंट इस तरह के आयोजन में मेरी सहभागिता रही है और मैं पूरे विचार क्षेत्र में हमेशा आम कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है, सामने भाजपा के कैबिनेट मंत्री है, मजबूत दावेदार है, क्या रणनीति होगी आपकी? मेरी रणनीति यह रहेगी कि मैं 25 फुट पर जाकर मैं जनता के बीच में रहता हूँ। तब की हमारे मंत्री जी आम कार्यकर्ता तो सिर्फ नेताओं का भी फोन उठाते नहीं है, साथ ही साथ आम कार्यकर्ता जो भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, वो दिल्ली भोपाल एवं बाहर ही रहते हैं और जो जन नेता जिनने लोकतंत्र की हत्या की है, जिनने आम जनता से विश्वास चतराज होता है, जनता उसको चरारा जवाब देगी, चाहे वो धन रूप में हो, भाव रूप में, जितने भी रूप में हो, पर आम जनता आम कार्यकर्ता तो चांद्रत्य आम कार्यकर्ता तो जीता था उनको लोकतंत्र की हत्या का चरारा जवाब देगी। लगभग एक दर्जन से अधिक यहाँ पर कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशी है, साथ ही कई बाहरी प्रत्याशी भी यहाँ पर अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देकर कांग्रेस के किसी अन्य स्थानीय व्यक्ति को टिकट देती है तो आपकी क्या क्रिया होगी, या अन्य किसी बाहरी को अगर टिकट दे देती है तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा, आप किस प्रकार से काम करेंगे पार्टी के लिए? मैं कांग्रेस चाहती था तथा सिपाही हूँ, पिछले 29 वर्षों से कांग्रेस के विभिन्न पदों पर लेकर मैंने कार्य किए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के NHUI यूथ कांग्रेस एवं मेन कांग्रेस में काम किए हैं। मैं विभिन्न NHUI में भी बजट में रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में भी बजट में रहा हूँ और मेन कांग्रेस में भी बजट में रहा हूँ। साथ ही साथ मैं तुतला विधानसभा का भवाई रहा, 2017 में वहाँ पर विजय हुई। साथ ही साथ मैं युवा कांग्रेस के राजकीय अध्यक्ष अशोक चवर के द्वारा हरियाणा की तन्नार विधानसभा का भवाली रहा था 2005 में, उसमें भी कांग्रेस विजय दी। और मैं तो पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस के लिए तंत्र नजर रहा हूँ क्योंकि राजवर्धन जी की जमीन पे थे ही नहीं, जमीन पे आम कार्यकर्ता कांग्रेस के धरना बदरन कांग्रेस की विभिन्न गतिविधियों तो मैंने जनता रिश्ते रहा, तो मैं कांग्रेस के लिए कोई भी उम्मीदवार हो, कांग्रेस पार्टी अमरनाथ की चीजें भी अपना बच्चा जी बनाएगी, मैं तन मन धन दे कांग्रेस का काम करूँगा। रही बात स्थानीय और बाहरी की, तो स्थानीय बात का मुद्दा हमारा ही नहीं आम जनता की भावना है क्योंकि वो अपने विधायक तो आम जनता के बीच वाला विधायक चाहती है, अपने बीच का आदमी तो विधायक बनना चाहती है और मैंने पिछले 29 वर्षों से मेहनत करी और पिछले हर पोलिंग पर हर बूथ पर जाकर मैंने जनता की आम भावनाओं की और जनता के विचारचार्यों के लिए लड़ाई लड़ी है और जमीन पर लड़ता रहूँ, लड़ता रहूँगा।
अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस में स्थानीय प्रत्याशियों की भरमार है, लेकिन जब राजवर्धन सिंह जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के विधायक थे और एक तरफा उनका वर्चस्व था, तब बहुत कम कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो उनका विरोध कर पा रहे थे। आप एकमात्र या कुछ नेताओं में, चंद नेताओं में आप भी सम्मिलित है जो उनका विरोध कर रहे थे तब उनके रहते, और अब उनके जाने के बाद आप किस प्रकार का परिवर्तन देख रहे हैं कांग्रेस में? मैं विरोधी नहीं था, मैं तो मेरे अजीदार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, मैं चांद्रत्य तारी लड़ रहा था, वो भी चांद्रत्य थे पर वो अवैबाजी थे और गिंडिया जी उनके माई बाप थे, वो जब भी चांद्रत्य थे ही नहीं। चांद्रत्य के लिए मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है और चांद्रत्य तारी लड़ा है। साथ ही साथ मैंने विभिन्न यूथ चांद्रत में, जब जिला यूथ चांद्रत की दावेदारी करी थी तो वो भी दावेदार थे और मैं भी दावेदार था, और उमन जिंदाल जी भी दावेदार थे और भी दावेदार थे। पार्टी ने उमन जिंदाल जी को दावेदार बनाया, मुझे और राजवर्धन तो किंतु बजट में बच गया। मैंने जमीन पर लेकर युवाओं के बीच में काम करा है। मैं किसी विधायक का पेता नहीं हूँ, आम जनता की भावनाओं से लड़कर, आम जनता के लिए लड़कर मैं नेता बना हूँ। आप एक जमीनी नेता माने जाते हैं, सहज रूप से उपलब्ध होते हैं, कई ऐसे जो स्थानीय नाम, स्थानीयवाद के नाम पर प्रत्याशी बनकर घूम रहे हैं, ऐसे कई हैं जो धरातल पर मौजूद नहीं रहते हैं, आप खुद को क्या सक्षम मानते हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी, अन्य से कितना बेहतर मानते हैं खुद को आप? मैंने पिछले दो चुनाव में दावेदारी करी है, 2013 में भी मैंने मेरी युवाओं की टीम के साथ आम जनता की मान थी थे, मनीष भैया आप चीज मान दो, तो 2013 में मैंने दावेदारी करी थी और 2018 में स्थानीयवाद के मुद्दे तो लेकर हमने दावेदारी करी थी, और स्थानीयवाद का मुद्दा हमारा आम जनता का है, और स्थानीयवाद तो इतने चीज देना चाहिए कि यहाँ पर हम लड़ाई लड़ते हैं, और बाहर से आकर तो ये अगर चीजें चुनाव लड़ेगा तो वो जनता की जूझ चल तो नहीं समझेगा। और मैं पिछले दो चुनाव से ही नहीं 29 वर्षों से हूँ, तो सबसे बबर दावेदार हूँ, दावेदार नहीं हकदार हूँ कि मुझे मेरा हक बनता है कि मुझे पार्टी जीत दे, और पार्टी तो निश्चित मुझे जीती देगी। तो बदनावर की आम कार्यकर्ता आम भावना तो बल मिलेगा, और निश्चित रूप से भारी बहुमत से मैं विजय की वरण करूँगा बदनावर की कार्यकर्ताओं के बल पर। क्या आपको लगता है कि राजवर्धन सिंह जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर जब भाजपा में वो चला गए तो कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है, मजबूत हो गई है? कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है, हम सभी ने जमीन पर कार्य कर रहा है, और कांग्रेस निश्चित रूप से उनके गिरफ्त से आज़ाद हुई है, तो कांग्रेस आज़ाद हुई है और आम कार्यकर्ता तो महत्व मिलने लगा। फिर जब भी भोपाल जिले के नेताओं से वो मिलने नहीं देते थे, अब आम कार्यकर्ता के बाद भोपाल जिले के नेता उनसे फोन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सर रूप से मिल रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, उनके विचारों से चुना जा रहा है, उनकी बात तो चुना जा रहा है, और उनके बात से और उनकी बात तो महत्व से जल ही उम्मीदवार सही होता न थी नेता जी देने पर होता। पहले ये होता था कि सिंधिया जी देने पर नेता बन जाता था, विधायक बन दावेदार बन जाता था, पर अब ऐसा नहीं होता। आम जनता के बीच में तो है उच्चा तरवे जमननाथ की, माननीय जमननाथ की दरबार है, हमारे बवारी बारा बच्चन की भी जमीन पर विभिन्न मंडलों की बैठक में ले रहे हैं, और विभिन्न तत्रा विधायक और 5 मंत्री पूर्व मंत्री है वो तारी दर्द है, और तो अच्छा उम्मीदवार हो जा पार्टी उच्च जीत जाएगी, और हम में पार्टी के निर्णय में ताज में हूँ तो जमननाथ की निर्णय करेंगे, मैं उच्च ताज में हूँ। कांग्रेस के जो अन्य स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार हैं उनकी तुलना में आप मंचों पर काफी आक्रामक देखे जाते हैं पूर्व विधायक जी के लिए, ऐसा क्यों है? क्या आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप उनके लिए इतना आक्रामक होते हैं? इक्कर में क्या है, राजवर्धन सिंह जी कांग्रेस से जब थे ही नहीं, उन्होंने हमेशा केवल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से रहे, वो नगर पंचायत चुनाव हो, जनपद चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव है, उन्होंने बहुत की बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया है, बीजेपी से जाकर हराया है, वो बीजेपी कांग्रेस के नेता उनसे फोन नहीं उठाते थे, और बीजेपी से आम आदमी का और नेता होता फोन उठाते थे, और उन्होंने जिला पंचायत में इंदिरा पाटीदार को हराया, जनपद में जमर सिंह जी बटेल तब जनपद अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे वो बराबर थे, एक ज्योति उनने प्रेमचंद परमार ने चिट्ठी मुंह में उठाली और उसके लिए भी उनने तो आपत्ति नहीं ली, तो वो तभी कांग्रेस से नहीं थे, वो उन्होंने हमेशा बीजेपी से राजचात दी, और वो तो जो आप आटली थेरा उनका था ही गई वो पुनर् हुआ है, तो वो उन्होंने गद्दारी उनके मन में है, और नहीं आक्रमता की बात तो वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते थे, और मैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता हूँ इसलिए मैं आक्रमक था, और मैं हमेशा कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता के लिए हमेशा तैयार हूँ, जी जान के तारे धरने के लिए तैयार हूँ, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता जो भी जब भी जाए मैं उनके तारे के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, पार्टी मुझे चिट्ठी दे या नहीं दे वो बात की बात है, मैं पर कांग्रेस के लिए समर्पित हूँ, था हूँ और रहूँगा।
आम कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम दर्शकों को आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा जिस जितने लोकतंत्र की हत्या करी है, उस हत्यारे तो उन वो पैसे में बिता, उन्होंने पद की लालच में बिता, उन्होंने चोरिया की हजार चार तो 99 मतदान चांद्रेज के मतदाताओं ने चांद्रेज के कार्यकर्ताओं ने मत देकर विजय गिरी वाली अपितु पटना विधानसभा की 2 लाख मतदाता और 3 लाख जनता के साथ उन्होंने थरावा किया है, तो जनता उन्हें दरारा जवाब देगी। साथ ही साथ में जन्माष्टमी 15 अगस्त और सबकी शुभकामना देना चाहता हूँ, और आदिवासी दिवस भी है, आदिवासी दिवस की भी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की भी शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।